जय श्री राम, वंदे मातरम। आज जो है अंकित, पूरा नाम क्या है अपना? अंकित सिंह भदौरिया। अंकित सिंह भदौरिया। थोड़ा लाउड बोलेंगे तभी आवाज आएगी। तो अंकित जी हैं अपने नैनी के ना, नैनी घर है आपका, एडीए नैनी, एडीए कॉलोनी में। तो ये पिछले हमारे कुछ समय पहले, लगभग कितना, 1 महीना 1.5 महीना हुआ होगा? 1 महीने 1 महीने पहले जो है किसी के जरिए मुलाकात हुई इनसे। तो ये कि एक गंभीर समस्या से जो है जूझ रहे थे, पैंक्रीटाइटिस नामक बीमारी है जिसमें पैंक्रिया काम करना लगभग कम कर देता है या बंद हो जाता है। और उसमें जो भी हमारे बीटा सेल्स हैं स्पेशली, जो इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाकी पैंक्रिया के तौर तमाम कार्य हैं। तो उसको लेकर के इनको कई तरह की समस्याओं को जो है मतलब फेस करना पड़ रहा था, जिसमें क्या क्या समस्या थी? गैस वगैरह, क्या गैस बनती थी, पेट नहीं साफ होता था, पेट दर्द, जलन, यही सब, पेट फूलना, सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। अच्छा, जैसे सांस में दिक्कत होती थी, पेट फूलना, जलन, गैस, खाना नहीं हजम होता था, पानी भी नहीं हजम, भोजन का डाइजेशन, इवन पानी तक जो है। अच्छा, हाँ बता रहे थे आप कि मतलब पानी भी पीते हैं तो नहीं पचता, वो पानी भी बन जाता, पानी भी जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता था आपको ना, मतलब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और काफी लंबे समय से ये मेडिकेशन भी करा रहे थे। कहाँ कहाँ आपने, कई जगहों पे दिखाया था? यहाँ इलाहाबाद में दिखाया, लखनऊ पीजीआई में दिखाया, विवेकानंद में दिखाया। तो वही दो 3-4 महीना दवाई चले, बंद कर दें, उसके बाद फिर दिक्कत हो जाए। हाँ, दिक्कत हो तो क्या है कि मतलब तमाम तरीके की समस्याओं से रूबरू हो रहे थे। और अभी यंग एज है इनकी, तो हालांकि अब तो काफी बैलेंसिंग, पिछले 1 महीने से जो भी अपना मेडिकेशन चल रहा है तो नेचुरोपैथी और उसके जरिए, तो इसमें क्या है कि तमाम तरीके के लाभ तो क्रिएट हुए इनको। कुछ आपको फायदा हुआ है जो अभी? बाकी सब दिक्कत सही हो गई। जैसे क्या क्या, जैसे मतलब गैस वगैरह काफी कम हो गया? काफी कम, मतलब हल्की एसिडिटी वगैरह? एसिडिटी तो नहीं थी। और पहले से खाने वगैरह का जो है, जैसे थोड़ा बढ़ा है कि अब मतलब डाइजेशन आपको? हाँ नहीं, डाइजेशन तब सही हो गया, डाइजेशन सही हो गया ना। पहले जैसे पानी भी पचना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब जो है ना, और ओवरऑल जैसे शरीर, पहले मतलब शरीर का जो ऊर्जा लेवल था पहले, चूंकि जब पानी भी नहीं पचता था शरीर ही डल रहता था, अब आपको लगता है कि शरीर पहले से चैतन्य रहता है? हाँ, थोड़ी एनर्जी रहती, एनर्जी रहती है बेहतर ना। तो 1 महीने में आप बेहतर फील कर रहे हैं? हाँ, बेहतर। और आपको लगता है नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में दम है? हाँ, दम तो है, इलाज करा रहे हैं, तो इलाज करा रहे हैं। तो ये है कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के प्रति हमें जो है मतलब और बेहतर तरीके से अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और नेचुरोपैथी आयुर्वेद कोई चिकित्सा विज्ञान ही नहीं है, ये आपके आसपास हर समय घटित हो रहा है। आप प्रकृति के करीब रहना सीखें और आप जो है स्वयं पे विश्वास करना सीखें, प्रसन्न रहना सीखें, आप पाएंगे आपकी बीमारियां धीरे धीरे करके स्वयं से गायब होती चली जाएंगी। कोई टैबलेट फंकी चूर्ण की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद को जैसे हम लोग सिर्फ टैबलेट फंकी चूर्ण समझ लेते हैं, तो वो समझने की आवश्यकता नहीं है। आप नेचर के करीब जाएँ, नेचर के करीब जाएं, प्रसन्न रहें। बीमारियां अगर ज़्यादा गहरे स्तर तक हैं तो साथ में आप कुछ एक मेडिकेशन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है कि नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करने की, जो नेचर से इटसेल्फ डायरेक्टली आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बेहतर रहें, स्वस्थ रहें, आयुर्वेद और नेचर के करीब जाएं। आज भी मेरा यही कहना है कि मेडिसिन से ज़्यादा आयुर्वेद और नेचर के करीब जाएं। आयुर्वेद मतलब जीवन विज्ञान, आयुर्वेद आयु मतलब आयु, वेद माने ज्ञान, कैसे इसको समृद्ध रखें, खान पान, दिनचर्या, आहार विहार, प्रसन्न चित, अपने तौर तरीके, ये सब चीज़ों में आप ज़्यादा जो है बेहतरी ले आएं, बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। और भिन्न भिन्न हमारे वीडियो जो अपलोड हो ही रहे हैं उसको देखते ही रहिए, तो उसमें तो हम तमाम क्रिया विधियां जीवन से ही जुड़ी हुई बताते हैं। मेडिसिन तो कहीं ना कहीं हर कोई बांट रहा है, ज़रूरत है हमें प्रसन्न रहने की, खुश रहने की और सम्मान करने की। वो चाहे किसी भी जीव जंतु के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, स्वयं के प्रति हो, मित्र दोस्तों के प्रति हो, अपने अनुजों के प्रति हो। जय सिया राम, वंदे मातरम।